अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे ट्राउज़र का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन, जिसको हम बॉक्स प्लेट कहते हैं। आज हम वो अपने ट्राउज़र पे बनाएंगे और नीचे गोल कट वर्क बनाएंगे। ठीक है जी, ये बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र बन के रेडी हुआ है, नीट एंड क्लीन। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ट्राउज़र की जितनी हमारी कपड़े की चौड़ाई आती है मैंने वो सारी ही ले ली, क्योंकि हमने इस पर प्लेट्स डालने हैं। तो उसके लिए हमें इसकी सारी की सारी ही चौड़ाई चाहिए होगी। अब हमने इसको जितना मार्जिन रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको हमने तकरीबन 6 इंच या 6 इंच से कम आप ले सकते हैं, आप 6 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 6 इंच से थोड़ा कम लिया है। बॉक्स प्लेट डालने के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। आपको जहाँ पे समझ ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लेट्स हमने तकरीबन कोई 1.5 इंच के फासले पे बारीक प्लेट्स डालने हैं हमने। पहले हम सिंपल प्लेट्स डालेंगे, फिर हम इसको बॉक्स प्लेट की तरह बनाएंगे। ये हम सिंपल प्लेट्स डालने के लिए इसको प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। इसी तरह हम दूसरा प्लेट्स भी बिठा लेंगे। ठीक है जी, जहाँ पे आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखें जी, मैंने प्रेस की मदद से 2-3 प्लेट्स अच्छे से बिठा लिए। इसी तरह हम सारे कपड़े पर प्रेस की मदद से ये प्लेट बिठा लेंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन पे हमने ये प्लेट्स डाले हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 1 इंच पे डालें, 2 इंच पे डालें, 1.5 इंच पे। मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी 1.5 इंच पे, मैंने ये सारे कपड़े पे प्लेट्स डाल लिए हैं। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है जी, ये हमने प्लेट्स डाली हैं, अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। हमने ये भरी प्लेट डालने हैं, बड़े वाले प्लेट नहीं डालने। ठीक है जी, ये बहुत ही नफासत से हमने इसको स्टिच कर लिया है। देखें, बहुत ही खूबसूरत एक प्लेट डालिया है, मैं ये दूसरा प्लेट डाल रही हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें जी, ये मैंने दूसरा प्लेट भी डाल लिया, अभी हमने तीसरा प्लेट। इसी तरह मैं ये इस कपड़े पर सारे प्लेट्स डाल लूँगी। ठीक है जी, जहाँ पे आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। ये मैंने देखें जी 3-4 प्लेट्स डाली हैं। इसी तरह मैं ये सारे कपड़े पर प्लेट्स बारीक वाले डाल लूँगी। ये मैंने सारे कपड़े पर प्लेट्स अच्छे से स्टिच कर लिए हैं। देखें जी, कितने प्यारे और ख़ूबसूरत से नीट प्लेट्स डले हैं। इसी तरह हम अब प्रेस की मदद से इसको बॉक्स प्लेट की शक्ल में बनाएंगे। अब हम दूसरे रुख की इसकी प्लेट डालेंगे ताकि ये हमारा ट्राउज़र बॉक्स प्लेट की तरह प्लेट्स रेडी हो जाए। जैसे सेम हमने पहले प्लेट्स डाले थे उसी तरह ही हमने सेम अब दूसरे प्लेट्स डालने हैं। ये मैंने 2-3 बना के आपको दिखा दिए। इसी तरह मैं प्रेस की मदद से सारे हमारे कपड़े पे प्लेट्स डाल लूँगी और फिर इसको अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ठीक है जी, जहाँ पे आपको समझ ना आए आप मुझसे ज़रूर पूछ लें। ठीक है, ये मैंने सारे कपड़े पे प्रेस की मदद से प्लेट्स को अच्छे से बिठा लिया और इसको अब मैं स्टिच कर लूँगी जी। देखें जी, बिल्कुल बारीक बारीक हमने सफाई के साथ इसको स्टिच कर लेना है। देखें, हमने इसको अच्छे से यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिया है। ठीक है जी, हमने प्रेस कर लिया। प्रेस करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप कपड़े को उल्टी साइड से प्रेस करें, सीधी साइड से बिल्कुल भी प्रेस ना करें, वो हमारे प्लेट्स का रुख आगे पीछे हो जाते हैं। हम जब उल्टी साइड से प्रेस करेंगे तो हमारे प्लेट्स बहुत ही नीट बनेंगे और कोई भी प्लेट्स इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ट्राउज़र का कपड़ा हमारा नीचे है तो हम प्लेट्स वाला कपड़ा ऊपर, आपकी मर्ज़ी है आप ऊपर रखें नीचे रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने नीचे रखा है ट्राउज़र और ऊपर प्लेट्स का कपड़ा ऐड किया है। मैं यहाँ पे स्टिच करके ये इसमें जो एक्स्ट्रा धागे और जो कुछ भी है इसकी कटिंग कर लूँगी। आप ही सेम इसी तरह बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, इसको बड़ा भी। मेरा ये ट्राउज़र खुले वाला था,
12 इंच का पाइचा मैंने तैयार करना था, तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा प्लेट्स डाले। आपकी मर्ज़ी, आप छोटे प्लेट्स डालें, बड़े डालें, जितना मर्ज़ी आप पाइचा रखें। फिर मैं एक स्लाइस के ऊपर लगा लूँगी ताकि ये मेरा कपड़ा इधर उधर ना जाए, ठीक है जी। इसके ऊपर बिल्कुल सी, बिल्कुल इसके ऊपर बारीक सी सिलाई हम लगा लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का ऊपर वाला जोड़ है जिसको हम सिलाई की मदद से बिठा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें सीढ़ी लैस भी लगा सकते हैं, कनेक्टर लैस, कोई भी लैस आप इधर अटैच कर सकते हैं। मेरे कस्टमर को लैस नहीं चाहिए थी तो मैंने इधर कोई लैस अटैच नहीं की, ठीक है जी। ये हमारा ट्राउज़र का पाइचा बन गया। अब हमने इसके नीचे कट वर्क, गोल कट वर्क ऐड करने हैं जी। मैंने एक गोल कट बना के पहले रख लिए थे, ये आपको बाज़ार से भी मिल सकते हैं और आप घर पे ख़ुद इसको रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी करने के लिए आप किसी भी गोल ढक्कन या किसी भी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के फीडर का कैप इस्तेमाल किया था, आप कोई भी कर सकते हैं। जितना आपको ये कट चाहिए हो आप उस हिसाब से कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ये कपड़ा लिया है, आप इसको इसके मुताबिक कपड़ा ले सकते हैं। मैंने इसमें जोड़ ऐड नहीं किया, आप भी चाहें तो जोड़ ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। ये मैंने एक जैसा इक्वल कपड़ा लिया है, जोड़ से वो थोड़ा भारी भारी लगता है तो इस तरह ये थोड़ा लुक नीट आती है। मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया इसको चिपकाने के लिए, ये हमारी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये हम जब इसको बुकरम पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल साथ चिपक जाता है, हमें इसे कच्चा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको प्रेस की मदद से हम अच्छे से बिठा लेंगे। देखें जी, ये मेरा बिल्कुल चिपक के रेडी हो गया, अब इस पर मुझे कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। आप ये ग्लू इस्तेमाल किया करें, इससे कपड़े की लुक बहुत ही नीट आती है, ठीक है। मैंने ये सारे कपड़े पे इसको अच्छे से चिपका लिया है, अब मैं इसको प्रेस की मदद से फोल्ड कर लूँगी। जितना मुझे चाहिए होगा मैं उसकी सिलाई लगा के बाकी कपड़ा जो एक्स्ट्रा होगा उसको बैक पे फोल्ड कर दूँगी। मैंने इतना कपड़ा इसलिए लिया था कि यहाँ पे अक्सर हमें यहाँ जोड़ लगाना पड़ता है इसको फोल्ड के लिए, तो मुझे जोड़ नहीं चाहिए था, वो थोड़ा भारी हो जाता है, तो मैंने इसके लिए एक जैसा ही कपड़ा रखा था ताकि इसमें कोई जोड़ ना आए। देखें जी, मैंने इसको स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल साथ साथ हमने इसके कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगानी है। याद रहे हमारी सिलाई ज़्यादा ना ऊपर जाए ना ज़्यादा नीचे आए, तो ये बिल्कुल नीट लुक में हमारे कट बन के तैयार होंगे, ठीक है जी। ये मैं इसी तरह सारी सिलाई इसकी लगा लूँगी। ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा के इसमें कट लगा ले, मैंने इसको कटिंग नहीं किया। ना करने का मकसद हमारा ये है कि अगर हम कटिंग करेंगे तो इसमें से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब बन जाता है, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ इसको सेंटर में कट लगाया है कि ये हमारे बस कट निकल जाए, बाकी कपड़े को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कट नहीं किया और मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा था, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई झोल, कोई मोटा, कोई कुछ भी नहीं बनेगा। ये बहुत ही नीट बन के हमारे रेडी होंगे जी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया, जो कुछ आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने इसको उल्टा के अच्छे से प्रेस से फ्रंट साइड और बैक साइड इक्वल बिठा ली है। देखिए, बिल्कुल हमारा ये नीट बन के रेडी हुआ है, कोई झोल कोई कुछ इसमें नहीं है। ये मैं इसको ट्राउज़र के पैंचे पे अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैर का बहा छोड़ के सिलाई लगाई है, ठीक है जी। आप चाहें तो बिल्कुल कोने पे लगा लें, चाहे तो एक पैर का बहा छोड़ के लगाएं। मेरे कस्टमर को यहाँ पे दो सिलाइयाँ चाहिए थी तो मैंने एक सबसे पहले एक पैर का बहा छोड़ के सिलाई लगाई है, फिर मैं एक स्टार्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगाऊंगी, ठीक है जी। ध्यान रहे कि ये सिलाई भी हमें बहुत नीट लगानी है ताकि हमारी फाइनल लुक भी बहुत प्यारी और नीट आए। ये मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे भी इसकी सारी सिलाई लगा ली है। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने नीट
इसकी सिलाई लगाई, आप भी सेम इसी तरह लगाएं। और ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह से 12 इंच का पाइंचा बन के रेडी हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। कोई इसमें झोल नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है जी, देखें बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र बन के रेडी हुआ है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, ये हमारा बॉक्स प्लेट वाला ट्राउज़र रेडी हुआ है, नीचे हमने गोल कट दिए हैं इसके। ठीक है, ये हमने इसके साथ शर्ट रेडी की है, देखें जी बहुत ही प्यारी। ये इसका गला है, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे हमने ये लेस अटैच की है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ यहाँ लेस चाहिए, तो वो हमने लेस अटैच की है। अंदर हमने इसके फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी कपड़ा लगाया है। ठीक है जी, ये हमने इसी तरह इसका दामन रेडी किया है, बहुत ही खूबसूरत लेस के साथ नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसको तरपाई किया है। ये इसका बहुत ही खूबसूरत कमीज़ रेडी हुआ है। ठीक है जी, आपको मेरी